हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के है। और एक क्वेश्चन पाइथन में कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप शायद जवाब भी नहीं दे पाते इस चीज का, तो आज इसी को देखेंगे कि इसमें आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, ठीक है, व्हाइल लूप से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है और इसका जवाब हमें क्या देना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं ये ओपन हो गया, यहीं पे मैं दिखाता हूँ आपको कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पे दिया गया है i इज इक्वल टू 5, यानी i में क्या इनिशियलाइज हो गया 5, और यहाँ पे कहा गया वाइल i, ठीक है, वाइल लूप लगा है यहाँ पे w h i l e, वाइल i इज लेस देन इक्वल टू किया गया 10 किया गया, ठीक है, और यहाँ पे कॉलन देकर के एंटर किया गया और यहाँ पे प्रिंट करवाया गया है i को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे i को प्रिंट करवाया गया है, और जैसे ही एंटर करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे कहा गया है i प्लस इज इक्वल टू 1, यानी i को एक एक करके इंक्रीमेंट करवाइए। ठीक है ना, तो अभी ऐसी स्थिति में क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आना चाहिए, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, कंडीशन तो ठीक है, इनिशियलाइजेशन ठीक है, 5 से ही स्टार्ट होगा, तो 5 तो ये प्रिंट करने ही वाला है। ठीक है, 5 तो ये प्रिंट करेगा, जब इसका आउटपुट आएगा तो ये 5 तो सबसे पहले प्रिंट ही करेगा। मैं यहाँ पे आउटपुट भी लिख देता हूँ, फिर आपको चला के भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो i की पहली वैल्यू जो आएगी तो i इज इक्वल टू 5 पहले प्रिंट करेगा, फिर जो दूसरी वैल्यू होगी वो इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है ना, प्रिंट करने के बाद एक इंक्रीमेंट हो जा रहा है i में, तो i की वैल्यू बन जाएगी 6, तो दूसरी वैल्यू आएगी 6, तीसरी वैल्यू क्या आएगी, तीसरी वैल्यू आएगी 7, और चौथी वैल्यू क्या आएगी, चौथी वैल्यू आएगी 8, और पांचवी वैल्यू क्या जाएगी, तो यहाँ पे 9 होगा। ठीक है, तो i इज इक्वल टू 9 आएगा, और फिर 10 में बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि 10 लेस देन यहाँ पे दिया गया है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेस देन भी तो दिया गया है भाई, इक्वल टू तो ठीक है लेकिन लेस देन भी दिया गया है, लेकिन लेस देन और इक्वल टू दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, कंडीशन दोनों की सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी ये भी कंडीशन चलेगी इक्वल टू वाली भी। तो जब इक्वल टू वाली चलेगी तो i की वैल्यू एक समय ऐसा आएगा कि इंक्रीमेंट होते होते 10 हो जाएगी, और जब 10 हो जाएगी तो ये 10 भी तो प्रिंट करेगा, ऐसा थोड़ी ना कि 10 को छोड़ देगा। हाँ, 11 बार भी रिपीट करेगा, मतलब 11 वाला भी 11 तक जाएगा ये, लेकिन 11 को प्रिंट नहीं करेगा। तो ये आपका आउटपुट बनेगा 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ठीक है ना, तो यही है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको रन करा के पाइथन के ऊपर। तो यहां से पहले पाइथन की ट्रेडिशनल आईडी जो ओपन होती है उसे ओपन कर लेता हूं मैं, यहाँ पे टाइप करता हूँ python. तो यहाँ पे देखिए पाइथन की जो ट्रेडिशनल आईडी है इसे मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे फाइल पे जाना है और न्यू फाइल पे जाना है, और यहाँ पर इस तरीके से ये आ जाता है। ठीक है, आप समझिए यहाँ पे कैसे करना है, सीधा सीधा लिखिए i इज इक्वल टू 5, वाइल लूप लगाइए, वाइल w h i l e वाइल i इज लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, और यहाँ पे कॉलन लगाइए और यहाँ पे प्रिंट करवाइए, तो ये लिखा प्रिंट, प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया हमने, प्रिंट फंक्शन, और यहां पर क्या करेंगे i को प्रिंट करा देंगे, सीधा सीधा i को प्रिंट कराएंगे। ठीक है, और यहां पर इंक्रीमेंट करवाएंगे, i प्लस इज इक्वल टू 1 करेंगे। तो बस यही सवाल है। अब इसमें देखिए मैंने जैसे बताया है 5 से स्टार्ट होकर 6, 7, 8, 9, 10 तक प्रिंट होगा। ठीक है, कंफ्यूजन यही रहती है कि 10 नहीं प्रिंट होगा, लेकिन इस बार मैं आपको दिखाता हूं कि 10 कैसे प्रिंट होता है, इसमें प्रिंट जरूर होगा 10। ठीक है, यहां देखिए 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10 भी प्रिंट कर रहा है। दूसरी कंफ्यूजन तब हो जाती है जब यहां पर आप लगा देते हैं मल्टीप्लाई बाय 2, तो अब आप सोचना ये शुरू कर देते हैं कि i को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 10 से अधिक नहीं आना चाहिए। तो जैसे आपने यहां पे किया है, जो मैं दिखाता हूं आपको, यहां पे जो हमने कैलकुलेट किया है कि i की पहली वैल्यू क्या आएगी, यहां पे देखिए i की पहली वैल्यू क्या आई है, 5 आई है, तो यहां पर आप क्या करते हैं 5 को सीधा सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 10 आएगा, और 10 से ज्यादा तो आ ही नहीं सकता, तो सिर्फ एक ही रिजल्ट आएगा 10, ऐसा आप सोच लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर 10 आएगा, फिर देखिए क्या आएगा, फिर मल्टीप्लाई होगा 6 में, तो ये आएगा 12, और फिर आएगा आपका यहां पर देखिए, फिर मल्टीप्लाई करता हूं 2 से। ठीक है, तो यहां पर हर बार 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 2 से ही, तो यहां पे तो 2 से मल्टीप्लाई किया गया, यहां पे आप देख सकते हैं ये मल्टीप्लाई तो 2 से ही किया गया है, तो फिर यहां पे 14 होगा, फिर यहां 16 हो जाएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो ये देखिए 16 हो गया, फिर यहां पर 2 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे भी आएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होता रहेगा, 10 तक पूरा 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां 18 हो जाएगा और यहां हो जाएगा 20, तो 20 तक ये प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन दिमाग से निकाल दीजिए,
कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सिर्फ 10 ही प्रिंट करेगा या फिर कुछ कोई आउटपुट नहीं आएगा, ऐसा भी सोचते हैं लोग कि ब्लैंक रह जाएगा, तो नहीं ब्लैंक नहीं रहेगा और ना ही सिर्फ 10 तक प्रिंट करेगा, पूरा प्रिंट करेगा ये 20 तक। तो आइए देखते हैं इसको एक बार चला के। तो यहाँ पर ये क्या करना है अब आपको, नीचे ये तो 2 से मल्टीप्लाई हमने कर ही दिया, अब इसको रन करवा देते हैं सीधा सीधा। तो आप रन करवाने पे देखेंगे कि आउटपुट सेम आपको मिलेगा, देख रहे हैं 10, 12, 14, 16, 18 और 20 तक ये प्रिंट करेगा। आई बात समझ में कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि i की वैल्यू 5 है, 5 से स्टार्ट कीजिए और i की वैल्यू को लेस देन इक्वल टू 10 रखिएगा। ये थोड़ी ना कह रहा है कि आप उसको मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, ये कह रहा है कि बस लेस देन इक्वल टू 10 रखिएगा। तो हमने तो 10 ही रखा है ना, जब यहां हमने चलाया है तो i की वैल्यू पहले 5 थी, 6 थी, 7 थी, 8 थी, 9 थी, 10 थी, मल्टीप्लाई 2 से करने पे क्या होगा ये तो कहीं कहा नहीं गया है, ठीक है ना। तो इसी वजह से ऐसा आउटपुट आ रहा है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।